हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप? माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण का। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है स्क्रीन पर आपके, वो क्वेश्चन है द इंस्टेंटेनियस मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए क्वाइल एट ए टाइम स्मॉल टी इज गिवन बाई फाइव बी इज इक्वल टू 40 क्यूब माइनस 5 t² माइनस 10 t प्लस 70 वेबर। कैलकुलेट द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द क्वाइल एट टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, इसमें देखो स्टूडेंट, किसी कुंडली से बद्ध तात्कालिक चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, समय टी पर इस प्रकार है या दिया गया है, फाइव बी इज इक्वल टू 40 क्यूब माइनस 5 t² माइनस 10 t प्लस 70 वेबर। ठीक है, टी बराबर 2 सेकेंड पर कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए, ये क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट, हमने हिंदी में भी बता दिया, इंग्लिश में लिखा है। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग यहाँ पहले जो गिवन होता है वो लिखते हैं, फाइव बी हमारा गिवन है 40 क्यूब माइनस 5 t² माइनस 10 t प्लस 70। ठीक है, यूनिट हम लोग लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, इतना वेबर ये दिया हुआ है, यूनिट यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, वेबर, लेकिन यूनिट को लास्ट में लिखना चाहिए न्यूमेरिकल के सॉल्व करने के फाइनली। तो इसका डिफरेंशिएशन करिए स्टूडेंट, डी फाइव बी अपॉन डी टी। ठीक है स्टूडेंट, तो डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं स्टूडेंट, कि जो इसकी पावर होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है, पावर 1 यूनिट डिक्रीज हो जाती है, यानी 4 3 12 हो गया, टी स्क्वायर हो गया, माइनस 5 2 10 t हो गया। ठीक है, इसकी पावर मल्टीप्लाई हो गई, पावर 1 यूनिट डिक्रीज हो गई, तो 2 - 1 का 1 हो गया, ये हो गया टी का, तो टी का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 10 है, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है स्टूडेंट, यानी डी फाइव बी हमारा कितना आया, डी फाइव बी इज इक्वल टू डी फाइव बी इज इक्वल टू आ गया अपॉन डी टी, डी फाइव बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू आया, यहां से देखो कितना आया स्टूडेंट, 12 t² माइनस 10 t माइनस 10 आया। ठीक है, एट यहां लिखेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द क्वायल क्वायल, ठीक है, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, हिंदी वाले चाहे तो इतना लिख लेंगे, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो यहाँ पे जो फार्मूला आता है स्टूडेंट, हम लोग उसको ऐसे लिखते हैं स्टूडेंट, इज इक्वल टू ऐसे लाइन लगाते हैं, डी फाइव बी अपॉन डी टी लगा देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए स्टूडेंट, यही वैल्यू हमारी आ जाएगी 12 t² माइनस 10 t और माइनस 10 आ गया, ये मॉड लगाते हैं हम लोग यानी पॉजिटिव वैल्यू लेने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी एट की जगह यहां लिखते हैं 2 सेकेंड पर, जब टी दो बार टी का मान 2 रखने पर, या आप जो भी लिख लें आपके लिए सब ये सही होगा, इज इक्वल टू यहाँ हो गया 12 और टी हमारा है 2, 2 का स्क्वायर हो गया, माइनस 10 है ये भी 2 है और माइनस 10 हो गया,
स्क्वायर इसका निकाल लीजिए तो 2 2 जा 4 हो गया, और 4 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 48 हो जाएगा, माइनस ये हो गया 10 2 जा 20, और ये हो गया माइनस का 10 और हो गया, -10 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, सॉल्व करने पर ये आ गया 18 आ गया, 18 वोल्ट इज इक्वल टू 18 वोल्ट आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। करंट इन ए सर्किट फॉल्स फ्रॉम 5 एम्पियर टू 0 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड। ठीक है, यानी हमारा देखो स्टूडेंट दिया हुआ है I1 दिया हुआ है, I1 5 एम्पियर 5.0 एम्पियर, I2 0.0 एम्पियर है, और टाइम डेल्टा टी दिया है 0.1 सेकेंड दिया हुआ। ठीक है स्टूडेंट, कह रहा इफ आयन एवरेज ईएमएफ ऑफ 200 वोल्ट, ईएमएफ इज इक्वल टू दिया हुआ है 200 वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट, इज इंड्यूस्ड कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द क्वायल, एल का पता लगाना है। एल देखो स्टूडेंट हिंदी वाले देखें, ठीक है, एक परिपथ में 0.1 सेकेंड में धारा 5 एम्पियर से घटकर शून्य हो जाती है। ठीक है, यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट है तो कैलकुलेट करिए, यानी सेल्फ इंडक्टेंस की गणना करिए, स्वप्रेरण गुणांक की गणना करिए। ठीक है, स्वप्रेरण गुणांक एल लिखा हुआ है, फार्मूला हमने आपको पढ़ाया है स्टूडेंट, क्या पढ़ाया है, E इज इक्वल टू माइनस का L डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। ठीक है स्टूडेंट, इससे L का फार्मूला आ गया, L इज इक्वल टू, ठीक है इधर आ जाएगा ये माइनस माइनस का E डेल्टा T अपॉन डेल्टा I। ठीक है स्टूडेंट, डेल्टा आई का मतलब क्या होता है, माइनस का ई डेल्टा टी अपॉन डेल्टा आई होता है I2 माइनस I1। वैल्यू रख दीजिए स्टूडेंट, और वैल्यू सबकी आप रख दीजिए, ई की वैल्यू दिया है माइनस का 200, डेल्टा टी 0.1 सेकेंड अपॉन I2 हमारा 0.0 माइनस 5.0 माइनस 5.0, यहां से एल की वैल्यू निकल आई स्टूडेंट, देखिए ऊपर 0.1 से मल्टीप्लाई किया 20 हो गया। ठीक, ट्वेंटी पॉइंट जीरो माइनस का, और नीचे हो गया माइनस का 5.0। ठीक, ये देखिए जीरो में से इसको माइनस करेंगे इतने माइनस आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, एल इज इक्वल टू 4.0 हेनरी। ठीक है स्टूडेंट, ये एल की वैल्यू हो गई। ओके, अब देखो स्टूडेंट हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है, करंट इन ए प्राइमरी क्वायल फॉल्स फ्रॉम 3.0 एम्पियर टू 0 एम्पियर इन इन 0.01 सेकेंड, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी क्वायल इज 15,000 वोल्ट, कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द क्वायल। ठीक है स्टूडेंट, यानी क्या क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, देखिए I1 दिया हुआ है उसी तरह का है, देखिए I1 दिया 3.0 एम्पियर, I2 दिया है 0.0 एम्पियर, ठीक है डेल्टा टी हमारा दिया हुआ है 0.001 सेकेंड। ठीक है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ ई दिया हुआ है 15,000 वोल्ट। अब देखो स्टूडेंट
फार्मूला हमें यहाँ पे एम निकालना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। हिंदी में देख लीजिए, हिंदी वाले पढ़ लें कि प्राथमिक कुंडली में 0.1 सेकेंड में धारा 3 एम्पियर से गिरकर शून्य हो जाती है, तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल 15,000 वोल्ट है। ठीक है, कुंडलियों के अन्योन्य प्रेरण गुणांक की गणना कीजिए। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, अन्योन्य प्रेरण गुणांक के लिए फार्मूला हम लोग वही लगाएंगे, इज इक्वल टू माइनस का एम डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, यहां से एम की वैल्यू निकल आए स्टूडेंट, माइनस का ई डेल्टा टी अपॉन डेल्टा आई। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे ई डेल्टा टी अपॉन डेल्टा आई को लिखते हैं आई टू माइनस आई वन, आई टू माइनस आई वन वैल्यू रख दीजिए स्टूडेंट। ऊपर हो गया माइनस, ई की वैल्यू हमारी कितनी है 15,000 वोल्ट, डेल्टा टी हमारा दिया हुआ है, डेल्टा टी हमारा दिया है 0.001 सेकेंड अपॉन आई टू हमारा दिया हुआ है 3.0 माइनस 3.0। ठीक है स्टूडेंट, यहां से एम की वैल्यू आ गई, इसमें से इसको मल्टीप्लाई करिए, 1, 2, 3 पॉइंट पर है तो 30 माइनस हो जाएगा, 15 आ जाएगा ऊपर, माइनस का 15 नीचे आ गया, माइनस का 3.0। ठीक है स्टूडेंट, और डिवाइड करने पर एम आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × 5 = 5 हेनरी आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, एम की वैल्यू आ जाएगी 5 हेनरी। ओके, अब देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन आपका इंग्लिश में लिखा है और आगे अभी हिंदी में भी लिखा मिलेगा, क्वेश्चन आप पढ़िए देखिए स्टूडेंट। दिया है नंबर ऑफ टर्न इन सोलेनाइड N1 इज इक्वल टू 15 टर्न, और ये लेंथ इसकी 1 सेंटीमीटर दे रहा है, तो L हमारा हो गया 1 सेंटीमीटर यानी 10^-2 मीटर हो गया। ठीक है, और एरिया ऑफ सोलेनाइड दिया हुआ है, एरिया ऑफ सोलेनाइड 2.0 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हम लिखते हैं 2.0 × 10^-4 मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब करंट जो है चेंज हो रही है 1, 2 एम्पियर टू 4 एम्पियर, I1 = 2 एम्पियर, I2 = 4 एम्पियर, और इसमें देखो स्टूडेंट, इस सोलेनाइड के परपेंडिकुलर में एक छोटी सी क्वाल रखी हुई है जिसमें 1 टर्न है, तो N2 हमारा हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन पढ़िए, N2 = 1 टर्न हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, तो पहले म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालें, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इसका फार्मूला हम लोग क्या लिखते हैं स्टूडेंट, M = μ0 N1 N2 A/L, सब की वैल्यू रख दीजिए स्टूडेंट। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है 4π × 10^-7, N1 15, N2 हमारा 1, A हमारा दिया हुआ है 2 2.0 × 10^-4 अपॉन L दिया हुआ है 10^-2 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे हो जाएगा M = ध्यान से देखिए, ये दो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो -2 हो जाएगा,
यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 2 जा 30, 34 जा 120 हो गया, तो ये हो गया 120 पाई इंटू, ये पावर ऊपर देख लीजिए 7, और 4 11 हो गया, 2 माइनस हो गया, 10 टू द पावर -9 हेनरी आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला, इंड्यूस्ड ईएमएफ का क्या फार्मूला लिखेंगे? इंड्यूस्ड ईएमएफ, ईएमएफ इन द लूप, ठीक है, और लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ का हम लोग फार्मूला क्या लगाएंगे, इज इक्वल टू एम, ठीक है, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। ये तो वही फार्मूला है आपका, वैल्यू रख दीजिए स्टूडेंट, डेल्टा आई कितनी हो जाएगी, एम की वैल्यू तो आपको पता ही है स्टूडेंट, 120 पाई 10 टू द पावर -9, और डेल्टा आई देखो कितना है स्टूडेंट, 4 माइनस 2 यानी 2 हो गया, 4 माइनस 2 लिख देते हैं, 4 माइनस 2, ठीक, अपॉन डेल्टा टी कितना हो गया, डेल्टा टी दिया हुआ है स्टूडेंट 0.1 सेकेंड, देखे क्वेश्चन दिया है 0.1 हो गया, इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ हो गया 120, ठीक है, ये पॉइंट हटा दें अगर 0 तो यहाँ 1200 हो जाएगा, ये हट गया पीछे से, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद हमारा आ गया पाई की वैल्यू होती है 3.14, और इधर 4 माइनस 2 का हो गया 2, और 10 टू द पावर -9 हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब ये इसका 2 में इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए और 3 पावर इसकी इसको दे दीजिए, ये हो गया 1.2 × 6.28 × 10 टू द पावर -6 आ गया। देखिए ये 1 2 3 पॉइंट डेसिमल हमने रिड्यूस किया तो ये पावर -6 हो गया, ये इज इक्वल टू 7.536 × 10 टू द पावर -6 वोल्ट, ठीक है स्टूडेंट। ओके अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, ठीक है, दे रहा है कि क्वेश्चन आप पढ़िए, देखिए स्टूडेंट इंग्लिश में लिखा है, आगे हिंदी में भी है, स्पीड ऑफ ए प्लेन दिया हुआ है यानी वी दिया हुआ है, देखिए 1800 किलोमीटर पर आवर लिखा है, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1800 × 5/18 मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 18 से डिवाइड करिए स्टूडेंट, 500 मीटर पर सेकेंड हुआ। अब ये कह रहा है स्टूडेंट कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है बी, वो दिया हुआ है 5 × 5 × 10 टू द पावर -4 टेस्ला दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट, और लेंथ ऑफ द विंग्स देखिए एल दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, एल दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, और दिया हुआ है एंगल ऑफ डिप यानी थीटा दिया हुआ है स्टूडेंट, थीटा हमारा दिया हुआ है, ठीक है, 30 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। तो जब हमारा एरोप्लेन पश्चिम की डायरेक्शन में जा रहा है स्टूडेंट, तो वेस्ट डायरेक्शन लिखा है, वेस्ट वार्ड, ठीक है, तो पश्चिम की डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो वो हमारे वर्टिकल कंपोनेंट को काटेगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट हमारा कौन होता है, बीवी होता है, तो बीवी हमारा जो होता है, बीवी इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट हमारा बीवी जो होता है वो बीई साइन थीटा होता है, ठीक है स्टूडेंट, यानी हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ इस बीवी पर डिपेंड होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ
इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द विंग्स अक्रॉस द विंग्स ठीक है। और इसका फार्मूला वही आप लगा दीजिए, इज इक्वल टू बीवीएल, इज इक्वल टू बीवीएल पढ़ते हैं, ये बीवी और फिर वी और फिर एल ठीक है। अब बीवी कितना दिया है स्टूडेंट, बीवी की वैल्यू बी साइन थीटा हो गया, तो बी साइन थीटा और वी हो गया एल हो गया ठीक है। और बी की वैल्यू हमारी कितनी है देखो स्टूडेंट, 5 × 10⁻⁴ इंटू साइन थीटा हमारा हो जाएगा साइन 30 डिग्री, इंटू वी हमारा दे रखा है स्टूडेंट 500, एल दे रखा है 25 ठीक है स्टूडेंट। हम देखे 25 × 125 × 625 आ गया, इंटू साइन 30 की वैल्यू आती है 0.5 यानी 1/2 0.5 और इंटू यहां देखो स्टूडेंट 2 पावर इसकी जो है वो इससे रिमूव हो गई, ये 500 लिखा है इसकी 2 जीरो को हमने इससे रिमूव किया 10⁻² आ गया ठीक है स्टूडेंट। इज इक्वल टू आ जाएगा इसमें, यहां देखिए स्टूडेंट इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, थ्री 12.5 10⁻², ये 2 हटा दे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा 3.125 वोल्ट ओके स्टूडेंट।